गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की इंट्राडे के लिए। और इस इंट्राडे में हम लोग आज देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी से ट्रेड करने की। कल की बात करते हैं तो निफ्टी में मैंने कल जो भी लेवल्स दिए थे फेंटास्टिकली वर्क। देखो मैंने कहा नीचे यहाँ तक आएगा और मैंने नीचे का लेवल दिया था 1500 का, और 16500 के आसपास से आके ये घूमा वापस से, फिर हमारे वही सेलिंग पॉइंट पे के पास में आया और फिर उसने नीचे की ओर दिया। तो लेवल्स वर्क फैंटास्टिक। ओके, आज क्या करेंगे निफ्टी में? तो देखिए, आज मोस्टली निफ्टी बहुत साइडवेज रहने के चांस हैं, बहुत बड़ी रेंज में नहीं करेगा। और आज जो हमको करना है, और शायद ओपनिंग भी इसकी कल के आसपास ही होगी, तो आज हम लोग जब बाय करेंगे तो 15 16 500 के ऊपर बाय करेंगे। ओके, 16 500 के ऊपर। बेसिकली ये जो 466 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग जो है वो 486 का है। ओके, तो 486 मतलब यहाँ आसपास कहीं आपको 483 के आसपास, तो 510 ये हमारा बाइंग प्राइस होगा। इसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे, तो 16 5 10। ओके, ये हमारा बाइंग लेवल होगा और हम लोग मैक्स टू मैक्स बाय करेंगे। हमारा जो लेवल होगा वो होगा 1600 तक का। बस 1600 विल एक्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ कहीं भी आपको शॉर्टिंग का एक्सपीरियंस आता है तो आपको यहाँ से, इनफैक्ट 560 से, है ना, 560 नहीं कहूँगा मैं इसको, थोड़ा सा 570, यहाँ से आपको शॉर्ट करना शुरू करना है। ओके, शॉर्टिंग के लिए लेवल जो है आपका वो है ये जो कल का आपका इंटरमीडिएट लेवल है ना, ये वाला, इट विल एक्ट नाउ एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन आवर दिस रेजिस्टेंस एंड ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट 16 600 के आसपास बहुत है, तो इसलिए मैंने कहा कि ये यहाँ तक भी जा सकता है या यहाँ से भी। तो यहाँ कहीं भी आपको मिलता है तो यहाँ से आपको शॉर्ट करना है। ये अगर प्राइस ऊपर गया तो की बात है, इसके इतने तक जाएंगे इसकी चांसेस थोड़े कम है। पर मार्केट में एक चीज़ देखी गई है कि डाउ जोन्स ने कल के बाद आज फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी दी है, तो उसका असर हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इतने जाएंगे इसकी गारंटी मतलब मुझे ये नहीं लग रही। लेकिन अगर गया तो आपको कहाँ शॉर्ट करना है वो मैंने आपको बताया। अभी नीचे की ओर क्या करना है? नीचे की ओर यही लेवल आपको वापस से ध्यान रखना है। ओके, तो यही लेवल के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे। और सिंपल शॉर्टिंग के बाद हमारा जो लेवल होगा वो होगा 361 का। ओके, तो करीब करीब नीचे हमको स्कोप ज्यादा दिख रहा है, पर क्या इतना जाएगा ये मैं कह नहीं सकता। उसकी वो वजह है कि इसकी मेजर वजह ये है कि आज मार्केट बहुत हद तक साइडवेज रह सकता है, लेकिन यहाँ बीच में इसका कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैंने आपको यहाँ तक का दिया है। देखिए, एक सपोर्ट आपको 400 तक का भी मिल सकता है, जो कि हम लोग इसको बोलते हैं राउंड फिगर सपोर्ट। तो वो हिसाब से एक सपोर्ट आपको 400 का मिल सकता है, और एक फिर दूसरा अगर उससे नीचे गया तो 360 का भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ आने के बाद आपको बाय भी करना है। ओके, तो यहाँ से आप एक बार बाय कर सकते हो और यहाँ से भी आप एक बार बाय कर सकते हो। तो इस जोन में आएगा अगर, तो आपको यहाँ से बाय करना है। और आपको टारगेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये वापस से जो कल का क्लोजिंग है उसी के आसपास आके हम तो रुक सकते हैं। मतलब आज मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज होने के चांस है, वो इसीलिए क्योंकि एक बड़ा डिसीजन आज रात में आएगा, वो हमको कल सुबह मालूम पड़ेगा। ओके, जो फेड का डिसीजन है, और वो डिसीजन कैसा होगा उसके ऊपर फिर कल मार्केट की चाल चलेगी। तो आज आप लोग, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कुछ लेकर मत जाइए, इंट्राडे ट्रेड कीजिए। कल का जो दिन है वो काफ़ी उठा पटक भरा हो सकता है। ओके, तो ये मेरे लेवल्स हैं
ये एक और नीचे का भी लेवल है, आप दोनों में से कहीं भी आप जाके देखेंगे कि कहाँ से रिवर्सल हो रहा है, वहाँ से आप रिवर्स करेंगे, ठीक है। आप इनफैक्ट आप जब भी रिवर्सल ट्रेड ले, आप इस बीच में कहीं भी ले सकते हैं, ओके। इस बीच में आप ट्रेड कहीं भी ले सकते हैं और एक 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। ये हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते तो बैंक निफ्टी ने भी कल फैंटास्टिक मूव दिए हमको, और हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जो मूव हमारे आए थे और जो मैंने आपको दिए थे, मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कहा था इस लेवल के नीचे, आप देख सकते हैं मैंने कहा था कि 16600 के नीचे आपको शॉर्ट रहना है। यहाँ से प्राइस नीचे आई, ओके, ये वाला कल का फर्स्ट मूव ये था, पहले गैप अप खुला फिर वहाँ से फट से नीचे आ गया। वह पहली कैंडल में हमारे 1 2 3 सारे ट्रेड्स, हम सारे टारगेट सीट हुए, वहाँ से वापस से ये दो, मैंने कल मार्क भी किया था कि यहाँ से आपको बाय करना है, तो बाय करने के बाद फिर हमारा ऊपर का भी लेवल आया, फिर वापस नीचे। तो दोस्तों क्या होना कि हमको अगर लेवल पता है कि लेवल्स में कहाँ रिएक्शन आएगी, और इंट्राडे में इन सारे रिएक्शन पे हमको काम करना होता है, ओके। तो ये जो चीज़ है आप काम कीजिए और आप यू कैन मेक मनी ओवर हियर। तो अभी बात करते हैं आज क्या करना है। तो आज हम लोग सिंपल है, 16500 विल एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बेस्ड, ओके। ये 36500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो हमारे लिए अगर प्राइस ऊपर खुलती है तो 36500 पे ही आपको बेचना है, ओके। प्राइस ऊपर जाती है तो वहाँ बेचना भी है, ओके। बेचने के लिए सिंपल है, आपका स्टॉप लॉस सिंपल है, सिर्फ आप 50-60 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का चाल समझना हर रोज अलग होता है, ओके। तो वो कैसे रिएक्ट करता है, कभी वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है अचानक से, कभी अंडर परफॉर्म करता है। तो 36500 के वहाँ आप एक्चुअली सेल करेंगे नीचे की ओर, और हमारे नीचे का टारगेट होगा सिर्फ 36200 का, ओके। तो यहाँ इसके नीचे आपको बेचना भी है, ओके। 36350 के नीचे आपको बेचना है, ओके। तो ये लेवल अभी फिलहाल के लिए मैं निकालता हूँ, ये मेरे काम के लिए, ओके। तो बाय हम लोग करेंगे इसके ऊपर 462 के ऊपर, मतलब एक्चुअली निफ्टी में बाइंग का फिलहाल मॉर्निंग में अपॉर्चुनिटी मुझे ज़्यादा दिखता नहीं है। तो मैं आपको सीधा बोलूँगा कि अगर 36500 के आसपास मिलता है ऊपर जाके, तो इन द मॉर्निंग आप इसको सीधा सेल कीजिए, सेल करके आपके टारगेट्स होंगे 36200, ओके। 36200 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं, 36100 के भी टारगेट्स आ सकते हैं। नीचे खुलता है तो हम लोग को यहीं से शॉर्ट करना शुरू करना है, ओके। तो नीचे की ओर हम लोग यहीं से शॉर्ट करेंगे, फिर हमारे टारगेट्स होंगे 36, मैंने जैसे कहा कि 200 और 36100, ओके। ये दोनों भी टारगेट्स आज अचीव हो सकते हैं नीचे की ओर, ऊपर की ओर मुझे लगता नहीं कि 530 के ऊपर टूटेगा, लेकिन इन केस 500 ब्रेक होके कुछ देर रुकता है, 15 मिनट रुकता है, तो हमको फिर नया टारगेट ऊपर की ओर का एक टारगेट ये भी मान के हम लोग चल सकते हैं 36600, ओके। ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से एक टारगेट और भी मिल सकता है 36600 का। तो 550 के ऊपर 600, मतलब यहाँ फिर उसके बाद भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। पर यहाँ भी आता है तो यहाँ भी आपको शॉर्ट करना है फिर से, ओके। यहाँ भी आपको शॉर्ट में ही रहना है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा ट्रिकी रहेगा आज, ओके। तो ये है, यहाँ से आप शॉर्ट करेंगे तो आपको नीचे के टारगेट यहाँ से यहाँ तक आते दिखते हैं, पहले यहाँ और फिर यहाँ, है ना, जहाँ भी आपको। तो ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। और एक ट्रेड मैं दूंगा, देखिए 2 दिन से मैं जो ट्रेड दे रहा हूँ वहाँ हमको एंट्री नहीं मिल रही है, और इसलिए वहाँ नुकसान या प्रॉफिट का कोई स्कोप नहीं है।
एक ट्रेड में दूंगा जो कल बेसिकली अपना इस पे ही बंद हुआ है, सर्किट पे बंद हुआ है। आज वापस से ये सर्किट के ऊपर खुलता है तो इमीडिएट आपको बाय करना है, 130 के ऊपर बाय करना है, और करीब करीब 145 143 के आसपास के टारगेट्स हमको यहाँ आज वापस से एक 10% का सर्किट यहाँ लग सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो बाइंग के 130 के ऊपर कहीं भी बाय करना है, और 143 143 इसके ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इसके ऊपर बाय करेंगे। ओके, और जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा हमारा 124 का। ओके, तो 130 के ऊपर बाय करेंगे, 124 का स्टॉप लॉस, 124 125 या 120 124 65 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना नहीं। टारगेट होगा हमारा 143 या जो भी इसका अपर सर्किट लेवल है वहाँ तक आज वापस से आपको मिल सकता है। तो ये है आज का मॉर्निंग बुलेटिन, और आई गेस यू आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस। आपको अच्छा लेवल्स पे काम करने का मौका मिल रहा है और आप अच्छे कमा रहे हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लेवल्स का फ़ायदा उठा के ट्रेड कर सकें। थैंक यू।